नमस्कार, खबर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मुजफ्फरनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब गन्ने के खेतों में अचानक आग लग गई। तेज हवाओं के चलते आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। इसके चलते लाखों रुपए का गन्ना जलकर खाक हो गया। घटना चरथावल इलाके की है, नगला राई गांव बताया जा रहा है, जहां आग ने लगभग 50 बीघा गन्ने के खेतों को जलाकर खाक कर दिया। आग की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस तरह से किसानों की जो मेहनत थी वो देखते ही देखते खाक हो गई। 50 बीघा ये पूरा एरिया जहां पर गन्ने की फसल थी, लाखों का ये गन्ना था, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, बर्बाद हो गया। मुजफ्फरनगर के चरथावल इलाके का बताया जा रहा मामला, जहां पर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, लाखों का गन्ना खाक हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से राई गांव में पूरी जो गन्ने की फसल है वो एक एक करके पूरा इलाका गन्ने की जो आग थी इसकी चपेट में दिखा। 10 मार्च को प्रदेश की 403 सीटों की मतगणना का काम शुरू होगा। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक पुलिस और प्रशासन सतर्क है, सुरक्षा के सारे बंदोबस्त कर लिए गए हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग का काम शुरू होगा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना का काम गुरुवार 10 मार्च को सुबह 8 बजे से शुरू होना है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट और सर्विस वोटों की गिनती होगी। इसके आधे घंटे बाद ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती चालू की जाएगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि 10-11 बजे से रुझान भी मिलने शुरू हो जाएंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा है कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पूरा पालन होगा, मतगणना की पारदर्शी व्यवस्था रहेगी। इलेक्शन कमीशन के हर बिंदु पर बहुत विस्तृत निर्देश है। इलेक्शन कमीशन के हर निर्देश का कड़ाई से पालन ग्राउंड लेवल पर हो और प्रॉपरली अरेंजमेंट हो और पूरा ट्रांसपेरेंट वे से जो है इलेक्शन सुनिश्चित कराए, ये निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ ये भी देखना है कि कोई भी ऐसा जो है सामग्री, कोई भी ऐसी गाड़ी, कोई भी ऐसी व्यवस्था न करें जिससे कहीं भी किसी भी तरह का कोई जो है भ्रम फैले। चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मतगणना स्थलों पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। मतगणना के लिए प्रदेश में 70,000 सिविल पुलिस कर्मी, 247 कंपनियां अर्धसैनिक बल और 69 कंपनी पीएसी तैनात की गई है। यूपी के 625 सीनियर अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। जितने भी संवेदनशील स्थान हैं वहाँ पे कुछ स्ट्राइकिंग और स्ट्रैटेजिक रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी निर्देश दिया गया है कि सभी महत्वपूर्ण जगहों पे वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी कराई जाए। पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश है कि कोई भी शख्स मतगणना स्थल पर अव्यवस्था फैलाता है या हुड़दंग करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। संवेदनशील इलाकों में रिजर्व फोर्स रखी गई है और सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है, वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। सभी जोन, रेंज, जिलों के सीनियर अफसरों को शांतिपूर्ण मतदान कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।